अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस हो रहा है आजकल। अमोनिया डेरिवेटिव, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने अमोनिया डेरिवेटिव समझा दिया था कि अमोनिया डेरिवेटिव होते क्या, और इनका रिएक्शन भी मैंने समझा दिया था। लेकिन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपको भी समझ नहीं लगी होगी कि कैसे बना है, वो इस लेक्चर के अंदर समझ लग जाएगी, क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर उसकी समझ नहीं लगती। मैंने इसमें से मैकेनिज्म का लेक्चर अलग बनाया है ताकि आपको जरा डिटेल से मैं समझा दूँ और समझ आपको जरा अच्छे तरीके से हो लग जाए। अब आपने घबराना नहीं है कि इसके अंदर स्टेप ज़्यादा हैं, बड़े आसान और बड़े ही कंसेप्ट वाले इसके अंदर जो है वो बताए गए हैं कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपने समझने की सिर्फ कोशिश करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टेप नंबर 1, अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म में जो स्टेप नंबर 1 है उसके अंदर होती है प्रोटोनेशन। आपने सबसे पहले समझना है प्रोटोनेशन होती क्या है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एच पॉजिटिव का हाइड्रोजन एटम का ऐड करना प्रोटोनेशन होता है। अब ऐड किसके अंदर करना है, एल्डिहाइड कीटोन पर चैप्टर पढ़े हैं तो उसके अंदर ही ऐड करेंगे हम। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर हमने जो है वो एच पॉजिटिव को ऐड करना है, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 1 जो है अमोनिया डेरिवेटिव के मैकेनिज्म का वो प्रोटोनेशन है। अब ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन भी ले सकते हैं, उसके अंदर हमने एच पॉजिटिव को ऐड करना है। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर जो है ये एच पॉजिटिव को के ऊपर अटैक करेंगे, जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C। यहाँ पे ये OH इसके साथ रहेगा OH, और साथ में ये आ जाएगा जी हाइड्रोजन। इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कार्बन बनाता है चार बॉन्ड, कार्बन बनाता है चार बॉन्ड, इधर बन रहे हैं तीन बॉन्ड, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दूसरे स्टेप के अंदर हम करेंगे अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे हम। अब यही मॉलिक्यूल हमने लिख लिया जी इधर, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, क्योंकि हम पढ़े हैं अमोनिया डेरिवेटिव को, जिसकी वजह से अमोनिया का डेरिवेटिव हमने बनाया था CnH2 और साथ में जी, जी ग्रुप के अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म हम पढ़े हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जी लगा दिया। अब हमें पता है अमोनिया के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर थे। अब ये कार्बन और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इसके, तो ये कार्बन और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये अमोनिया का सारा ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3COH हाइड्रोजन, साथ में अमोनिया, नीचे NH2, ये NH2 है तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये जी एटम इधर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर खत्म हो गया, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, इधर कार्बन के चार मुकम्मल हो गए, लेकिन नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, इधर चार बने, इसकी वजह से इसके ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। आगे समझ। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के अंदर इसी मॉलिक्यूल को हमने इधर लिख लेना, इसके अंदर होगी डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी प्रोटोनेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी का मतलब होता है रिमूवल, प्रोटोनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल और एडिशन मिलके बनेगा रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। डी प्रोटोनेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने रिमूव करवाना है, यही मॉलिक्यूल हमने लिख लिया इधर। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो लॉस कर जाएगा, यानी डी प्रोटोनेशन होगी, माइनस एच पॉजिटिव का मतलब है एच पॉजिटिव का निकल जाना, तो कार्बन OH, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 NH और साथ में जी, नाइट्रोजन तीन बार बनाता है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाए, साथ में एच पॉजिटिव आ जाएगा। ये हो गई कि डी प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 4 तक अब समझ लग जानी चाहिए, स्टेप नंबर 3 तक, बल्कि ये था स्टेप नंबर 3, इसके टोटल स्टेप है 6। वो गलती होगी जरा थोड़ी सी कि इसके टोटल स्टेप है 6। यहाँ पे आएगा जी स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 5, यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर फोर है प्रोटोनेशन, फिर से प्रोटोनेशन, उसी मॉलिक्यूल को हमने आगे आगे लेके जाई जाना है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाना है एच पॉजिटिव, यानी वही मॉलिक्यूल हमने दोबारा ले लिया। हमें पता है ऑक्सीजन को ऊपर होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर एच पॉजिटिव को ऊपर अटैक करेगा तो ये एच को अपने पास ले आएंगे, तो ओ एच टू आ जाएगा, CH3 हाइड्रोजन, और साथ में सारा सामान जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इधर OH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आया, क्योंकि OH2 जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता इधर, तो OH बनाएगा लेकिन OH2 नहीं बनाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। स्टेप नंबर 5 में होगी फिर डी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी प्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी के अंदर से हमने दोबारा हाइड्रोजन जो एक बच गया नाइट्रोजन का उसको रिमूव कर देना है, जब रिमूव किया तो ये वाला बॉन्ड इधर दोबारा बन गया, दो डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ से एक बॉन्ड कटा तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाना है, तो CH3
सी ये हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला कट गया, ये कट गया नीचे, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन जी, ये हाइड्रोजन निकल गया, एच पॉजिटिव ये वाला निकल गया, ओ एच टू यानी एच टू ओ वाटर ये निकल गया। अब स्टेप नंबर सिक्स के अंदर सिर्फ हमने शफल करना है, इसे स्ट्रक्चर को चेंज करना है, यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कार्बन ये वाला सी एच थ्री यहाँ पे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड ये वाला आ गया, नाइट्रोजन और साथ में जी ये वाला आ गया, ये बन गया ये प्रोडक्ट, जो कि हम हर हर पिछले हमने चार का रिएक्शन किए हैं उसके अंदर हर रिएक्शन के अंदर सिर्फ यही प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ जी चेंज होता था। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन है तो हमने जी की जगह जो मर्जी लगा सकते हैं, तो जी इस वजह से लगाया कि हर एक के लिए जी जो है वो और जी लगा सकते हैं सेम है, हर एक के लिए जी जो है वो सेम है। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल से अमोनिया डेरिवेटिव के मैकेनिज्म को बड़े क्लियर अंदाज से समझा दिया है। आपने आगे अगर कंसंट्रेशन से समझा होगा तो आपको ज़रूर इस लेक्चर की समझ लगेगी। ऐसे ही मैं आगे लेक्चर जो है वो अपलोड करता रहूँगा, अगले लेक्चर भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।